हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको वॉच करना, ठीक है। तो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते, प्रोसीड करते, ठीक है। तो चलिए माई डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चों, ये बताओ कि कहाँ तक हुआ था कल क्वेश्चन? इमीडिएटली ट्वेंटी होगा, श्योर? फंक्शन को आपको सही से समझना है। चलो, प्रथम सिद्धांत आपकी समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। कहीं पर किसी भी प्रकार कोई शक? नो। एनी प्रॉब्लम? नो। नो प्रॉब्लम, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जांपल 20, सॉरी एग्जांपल 20। प्लीज स्पीक। नो, रियली देखिए इधर। हम प्रथम सिद्धांत से फलन एफ एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा मैथ को बिल्कुल करीब से समझे, मैथ को अपना जिगरी यार बना के समझे, ठीक है। तो मैथ से कभी घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मैथ हम बनाएंगे आसान, हम मैथ को आसान बनाने के लिए आए हैं पर्सनली, प्रोफेशनली। तो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। एक फंक्शन हमारे पास परिभाषित है, डिफाइन है फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फंक्शन का नाम भी दे रखा है, एफ एक्स है ये। तो देयरफॉर यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है, बोला है कि एक एफ एक्स फंक्शन निम्न प्रकार परिभाषित है। अगर ये एफ एक्स है तो इसका नाम रख दो, क्या दिक्कत आ रही? एनी प्रॉब्लम? तो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से हमें इसको अवकलित करना है, अवकलित करना है मतलब अवकलन निकालना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देन आपको पता है कि प्रथम सिद्धांत में क्या करते हैं, जहां पर x है ना, x के स्थान पर x प्लस h पुट अप करते हैं, ठीक है। देखिए x के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, x प्लस में h करते हैं। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट होंगे उन्हें इस बात के बारे में पता है कि हम कैसे इसको प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करते हैं, x के प्लेस पर हम x प्लस h पुट अप करते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इधर। इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत से। प्यारे बच्चों, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? जिसको भी नहीं पता है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन एफ एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स पर अवकलन का सिंबल लगा लो, डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो, डी अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देन इधर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। एनी डाउट? नो, यस। देखिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन होगा तो एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए एफ एक्स प्लस एच फंक्शन की वैल्यू यहां से पुट अप कर दो ऊपर से, है ना। देखिए एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, पूरी यहां पे रख दो, साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस में एच,
ठीक है चलो माइनस एज इट इज रखना है, माइनस एज इट इज रखना है यहाँ पर। और एफ एक्स, एफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले समझ लो, अभी मत लिखो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है। अपॉन में एच, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, सीनियर क्लास को तो समझ में आ रहा होगा ठीक है। 11th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बाय द वे आपने ये सब पढ़ा होगा आई होप। तो साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस में एच माइनस का मल्टीप्लाई करो। प्यारे बच्चों अगर माइनस के आगे दो नंबर आते हैं ना, प्लस या माइनस में, वो हमेशा ब्रैकेट में आती है। माइनस एक ऐसा सिंबल है कि जो अपने आगे आने वाले समस्त सिंबलों को चेंज कर डालता है, तो माइनस का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। माइनस साइन एक्स माइनस प्लस माइनस और कॉस एक्स अपॉन में एच। अब पहले यहां तक नोट कर लो ठीक है। डियर स्टूडेंट सभी बच्चे पहले यहां तक नोट, माय डियर स्टूडेंट यहां तक अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दी करो ठीक है। चलो हाँ, तो अब इसके बाद यहां तक सब पर नोट हो गया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो फिर राइट, देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स को मैंने सेम लिख दिया है, लिमिट इसकी लगानी पड़ेगी आपको अंत तक, अभी जब तक आपको लिमिट नहीं पुट करते हो तो लिमिट चलती रहेगी। मेरी बात पे गौर देना, मेरी बात पे क्या देना, गौर देना। मैं साइन वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड करूंगा ताकि यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाए, साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन वाली टर्म्स, ये साइन की टर्म्स है, ये भी साइन की टर्म्स है, इनको एक साइड करो। ये कॉस की टर्म्स है, ये कॉस की टर्म्स है, उनको एक तरफ कर दो। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, देखिए ध्यान से, साइन एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स और माइनस, देखिए ये मैंने, देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान से फोकस मारेगा बोर्ड पे। देखो ये लिखा, फिर ये साइन लिखा इसके साथ में, फिर ये लिखूंगा, फिर ये नंबर इसके साथ में, प्लस कॉस एक्स प्लस एच और माइनस कॉस एक्स। अपॉन में एच ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट को सेपरेट करूंगा ठीक है। मैं क्या करूंगा, लिमिट को सेपरेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा, मेरी बात को पहले ध्यान से समझना। कैलकुलेशन को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, अवकलज को ठीक है, अवकलज को जिंदा दफना दूंगा मैं आज, प्रथम सिद्धांत को ध्यान रखना। अपने अंदर जुनून लाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। देखो मैं क्या करूँगा, एलसीएम को क्या कर दूंगा, ब्रेक करा दूंगा, इसका भाग इतनी वाली टर्म्स में सिंगल दूंगा और इसका भाग एच का भाग इतनी वाली टर्म्स में सिंगल कर दूंगा, यानी एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। साइन एक्स प्लस एच माइनस में साइन एक्स अपॉन में एच। एनी डाउट? क्या किया मैंने, एलसीएम को सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया ठीक है, एलसीएम तोड़ दिया। एलसीएम लेंगे तो फिर वही मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, दोनों की लिमिट सेपरेट कर दो अब। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच। पहले समझ लो प्यारे बच्चों, लिखना नहीं है,
समझ लो पहले, प्लस प्लस माइनस में लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया पहले भी, प्लस सेम रख दिया, इसकी लिमिट यहाँ लग जाएगी, अब इसकी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन में एच। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? नहीं है ना? तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या एक्स प्लस एच, बी की वैल्यू एक्स। जिस बच्चे को नहीं पता है वो पहले फॉर्मूला देखे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी, ए इसको ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, ये साइन ए माइनस साइन बी, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का, प्यारे बच्चों जब कॉस ए माइनस बी रहता है तो दोनों साइड साइन रहता है, बस हम क्या करते हैं माइनस साइन टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन टू, दोनों तरफ साइन रहेगा। फॉर्मूला सही है ना? नहीं है तो ये दोनों फार्मूला देखो, ये ऊपर वाला फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है, नीचे वाला फार्मूला आपको वहाँ अप्लाई करना है, और देन इसके बाद फैक्टराइज करके आंसर निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला। बस मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ही लाइन में आ जाए आगे तक, है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़ा किनारे से एफ डैश एक्स छोटा लिख रहा हूँ ताकि ये पूरा सवाल एक ही रो में आ जाए। चलो देखिए, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, टू कॉस, यानी 2 cos a प्लस बी, ए क्या है x प्लस एच, प्लस बी क्या है x, अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, ए क्या है x प्लस एच माइनस में x, अपॉन में 2, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा था h। सिमिलरली यहां पर प्लस लिमिट, लेकिन यहाँ आप जगह का शॉर्टेज होने लग गया, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, देखिए जान से इसको कैसे खींचूं मैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाएगा इसका फॉर्मूला, चलो यहाँ लिख दूंगा इसके बाद, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला मैं आधा यहाँ लिखूंगा और आधा इसको यहाँ पे खोलूंगा नीचे, ठीक है? तो बस ध्यान देना, देखो कॉस में कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन, कॉस में साइन ही रहता है, माइनस टू साइन ए क्या है एक्स प्लस एच, x प्लस एच प्लस ए प्लस बी, बी क्या x, और फिर अपॉन टू, और फिर इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, ये इतना अपॉन में h भी यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर h भी आएगा। इसके देखिए आपको क्या करना है, ये लंबर लिखना है इसके आगे यहाँ पर, और अपॉन में h लिखना है ये वाला एच यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच ऐसे, इसको लिख लो पहले यहाँ तक, लिख लो पहले यहाँ तक, एक बार चेक कर लेते वीडियो में आ रहे नहीं आ रहे, तो डे स्टूडेंट इसको प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए आपको ये चीज ना इसके आगे लिखनी है, ये एच इसके अपॉन में लिखना है, ये एच इसके नीचे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा पूरा आगे करके फिर एच आया है, सिमिलरली आपको वहां पे लिखना है। तो सिमिलरली देखिए आगे इसी प्रकार एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो
लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, टू भी है यहाँ पर, पहले टू लिख ले आप, एक्स एक्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स का दो गुना, टू एक्स यानी अपॉन में एच प्लस में एच अपॉन में टू, ऐसे साइन साइन, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक्स से एक्स कट हो गया, साइन एच बाई टू कर ली अपॉन में एच, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है, एक्स से एक्स कट हो गया, साइन एच बाई टू बच गया अपॉन में एच, डिनोमिनेटर में एच बच गया, ठीक है, प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा पहले, माइनस टू साइन, देखिए ध्यान से बिल्कुल, एक्स प्लस एक्स टू एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन में एच प्लस में एच अपॉन में टू है, अपॉन में टू है, और सिमिलरली यहां पर देखिए एक्स से एक्स कट हो गया, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एच बाई टू यहाँ पर ही बच जाएगा, देखिए एच बाई टू खाली एच बाई टू इन टू में ही अपॉन में एच, इतना आई बात समझ में। चलो अब इसको रफ कर लेते, कोई क्वांटिटी रह तो नहीं गई, चलो ध्यान देना बस एक बात, ठीक है, कभी कभार कोई लंबा छूट जाता है तो आंसर फिर रॉन्ग आता है, इसलिए आंसर रॉन्ग ना आए तो ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर h में यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो कर लो सीधा यहीं पे कर लो, 2 से डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली यहाँ करूँगा मैं, ठीक है, सेम यहाँ करूँगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे हमारे इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, वाई टू से टू कट हो जाएगा, केवल एच बच जाएगा, कुछ अंतर नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स में ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो हम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहां पर देखिएगा, इससे टू से ये टू कट हो गया और फिर इस टू से ये टू कट हो गया, जी सर। नहीं नहीं, ये टू मत करो कट, फिर काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, ये तो हमें टू चाहिए ना एंगल के लिए चाहिए, ये टू वैसे कट भी नहीं होगा क्योंकि ये अपॉन में है, देखिए इस टू से करो ये टू कट और इस टू से करो ये टू कट, अब सही रहेगा, ठीक है, अब क्या बचेगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बस बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गया था थोड़ा, देखिए ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट देखिए, कॉस टू एक्स प्लस में एच बाई टू, ऐसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पर, बस यहाँ मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू, ऐसे, ठीक है, ये एच बाई टू इसके अपॉन में लिख दिया, साइन एच अपॉन टू के डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने एच बाई टू, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए यहां पर क्या रहेगा, माइनस साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, और यहां पर भी सेम कर रहा हूं मैं, साइन एच बाई टू के डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं मैं एच बाई टू, एनी प्रॉब्लम, नो, चलो अब यहाँ पे लिमिट सेपरेट कर लो, यहाँ पे लिमिट को सेपरेट कर लो अब मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू, ये इसकी लिमिट कर दी सेपरेट इन टू में, मल्टीप्लाई में लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी, साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू, ऐसे, ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ करना है, पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये प्लस
और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे लिमिट कर लो सेपरेट, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू एच अपॉन टू, और देन यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू के अपॉन में एच बाई टू, यहाँ भी एंगल सेम हो चुका है, ठीक है। तो बस ध्यान से आपको समझना है, पहले आई बात समझ में, इनकी लिमिट मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसकी लिमिट अलग से लगा दी और इस फंक्शन की लिमिट अलग से लगा दी, मल्टीप्लाई में लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो पुट कर लो लिमिट सीधा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करने के बाद ये लिमिट का सिंबल हट जाता है, कॉस टू एक्स, जहाँ पर एच है ना, यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो पुट करनी होती है, चलो। और यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू एंगल दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी लिमिट पुट अप कर दो, ठीक है, तो साइन टू एक्स जहाँ पर एच है वहाँ जीरो अपॉन में टू, फिर देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू दोनों का एंगल सेम है और लिमिट जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, फॉर्मूला ही है ना। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस, देखिए यहाँ पर टू एक्स में जीरो ऐड करना तो टू एक्स आएगा खाली, टू एक्स अपॉन में टू आएगा, एनी प्रॉब्लम, ओके। साइन टू एक्स अपॉन में टू और बस। अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट पहले ध्यान से देखिएगा, इधर टू से टू कट, टू से टू कट, क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, चेक कर लो आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और पुरानी वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना, आपको सारे लेक्चर एकदम सिक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। चलो तो आंसर देखो सही है, नोट कर लो पहले, तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम राइट वे में समझ में आया होगा, आई होप, आया नहीं आया, अभिषेक बोलो जोर से बोलो सर, यस ओके वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन, ओए ऐसे एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, जिसमें थोड़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। स्टेप आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता हार्ड, बेसिक कंसेप्ट अगर उसकी थ्योरी बेस आपने सीखा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने की आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे या मुझे समझाना पड़ेगा, बताओ। एक्स साइन एक्स का निकालना है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इधर ये फंक्शन का नाम बोल रखा है इसने कि जहां दिया गया फंक्शन एफ एक्स है, तो इसको मैंने एफ एक्स लिख दिया डायरेक्टली। अब प्रथम सिद्धांत से कह रहा था, तो एक्स के प्लेस पर, देयर फॉर एक्स के प्लेस पर हम एक्स प्लस एच पुट करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ क्या कहता है कि एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच पुट करो और देन फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व आउट करो, तो एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट कर लो, चलो वेरी नाइस। अब लिखो प्रथम सिद्धांत द्वारा या प्रथम सिद्धांत से, हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखना है, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, प्रथम सिद्धांत से डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, उसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, एनी डाउट? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए ध्यान से, जहां एफ एक्स प्लस एच है वहां इसकी वैल्यू पुट कर दो ऊपर से देख कर, ये नहीं, एक्स प्लस में एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स इंटू साइन एक्स। चलो वेरी नाइस, देन अपॉन में क्या एच है। प्यारे बच्चों, अब आपके पास एक ही इलाज है इसके बाद इसको सॉल्व आउट करने का, क्या करने का, सॉल्व आउट करने का, कि आप क्या कर लो, आप कर लो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लो, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो डस्टर कहाँ गया, देखिए जान से, यहाँ तक हो गया सबका। चलो अभी थोड़ा जगह है, पहले यहीं पर देखते हैं। देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच को एज इट इज रखना है और यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिस बच्चे को नहीं पता मैं लिखवा लेता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छी लंबा लाए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सप्रेस करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है, आया समझ में? तो देखो ध्यान से, साइन ए यानी एक्स, कॉस बी यानी एच, फिर प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए यानी एक्स, साइन बी यानी एच, ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस माइनस चल रहा है ना, हाँ ये तो सेम है, ये तो सेम रख दिया मैंने, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया तो इसका फॉर्मूला ये आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना। अब रह गया एक्स साइन एक्स, ठीक, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, अपॉन में एच, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट पहले इसको नोट कर ले, दो सेकंड नोट कर ले पहले सही से, सवाल भी तो बहुत बड़े हैं। देखो यहाँ पे देखिए जान से डियर स्टूडेंट, एफ डैश एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखो आपको जो रास्ता सवाल को सॉल्व करते हुए दिखता है ना, उसी रास्ते से आपको सवाल करना चाहिए। मुझे केवल अभी फिलहाल एक रास्ता यहाँ चमक रहा है, मैं उससे करने का इसको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, मैं एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट में, यहाँ क्या करूँगा मैं, आर्यन आकाश यहाँ देख लो, मैं एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ध्यान से, एक्स का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स साइन एक्स ऐसे होगा, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एच ऐसे, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, प्लस एक्स एक्स कॉस एक्स, पहले समझ लो अभी लिखो मत, एक्स कॉस एक्स इंटू में साइन एच, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, एक्स का पहले इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा, तो एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एच, ठीक है, प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एच, अब एच का मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा तुम्हारा प्लस एच साइन एक्स, फिर कॉस एच, उसके बाद एच का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ पे लिखूंगा नीचे,
इसका मल्टीप्लाई हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होना है, तो आपको इसके बाद लिखना है। देखिए तो h cos x sin h इतना हो जाएगा, ठीक है। x का देखो, h का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा, वो आगे ऊपर वाला, h का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो देखो h cos x sin h और माइनस x sin x को रख दो सेम, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था, h चल रहा था, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी आपको इसके आगे लिखनी है यहाँ पर ऐसे। चलो तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स साइन एक्स कॉस एच है ना, इस वैल्यू के साथ में लिखूंगा मैं, कौन सी वैल्यू, इस वैल्यू के साथ में मैं लिखूंगा, कौन सी वैल्यू लिखूंगा, एक्स साइन एक्स के साथ में ये लिखूंगा पहले मैं, ये चीज, ये वाली देखो, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एच, इसके साथ में मैंने ये लिख दिया लास्ट वाला एक्स साइन एक्स ऐसे, ठीक है। अब क्या बच गया, इसके साथ में तो ये लिख दिया मैंने, ये देखो ये था माइनस का आगे इसके पास, अब लिखो इसको एक्स कॉस एक्स साइन एच, और इसके बाद ये लिख लो एच साइन एक्स कॉस एच, और इसके बाद ये लिख लो लास्ट में प्लस का एच कॉस एक्स साइन एच ऐसे, ठीक है, और अपॉन में एच। यहाँ तक समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, गुड, वेरी गुड, एब्सोल्यूटली राइट। देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं मैं एक्स साइन एक्स, देखो एक्स साइन एक्स एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स कॉमन आएगा तो कॉस एच माइनस वन बच जाएगा, ठीक है भाई, कॉस एच बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो वन बच जाएगा माइनस वन, ठीक है। चलो अब जो बचा इसको लिख लो आप, अब यहाँ पर देखो कोई अगर फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए साइन बी, कुछ कॉमन है यहाँ पर, साइन एच नहीं कॉमन है, लिख लो पहले इसको सेम एक्स कॉस एक्स साइन एच, फिर एच साइन एक्स कॉस एच, एच कहाँ है कॉमन, एच तो एंगल में है ना, ये लिख दिया, अब लिखो ये एच कॉस एक्स साइन एच, ठीक है, अपॉन में एच, ये भी लिख लो पहले किस टाइप, नोट कर लो, नोट कर लो पहले जगह का शॉर्टेज है, फिर मैं ऊपर लिखूंगा इसको। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद का लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखिए मतलब इसके बाद का जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इस स्टेप को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल केयरफुली से। देखिए कैसे मैं कर दूंगा एलसीएम ब्रेक, मैं क्या कर दूंगा एलसीएम ब्रेक, देखिए एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं एलसीएम ब्रेक, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं एलसीएम ब्रेक, इस एच का इतने वाले टर्म्स में सिंगल भाग, इस एच का इसमें सिंगल डिवाइड, और इस एच का इतने में सिंगल डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो ऐसे एक्स कर सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, मैं थोड़ा इसको छोटा लिखता हूँ ताकि ई की लाइन में सारा आ जाए, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए एक्स साइन एक्स कॉस एच माइनस वन, इसके अपॉन में एलसीएम को ब्रेक कर दिया, एच सिंगल कर दिया बीच में प्लस, फिर इतने के अपॉन में एच सिंगल,
एक्स कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच, फिर इस पूरे के अपॉन में एच, और यहाँ से एच भी ले रहा हूँ कॉमन, देखिए यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में से मैं एच कॉमन भी लूँगा हाथों हाथ, तो एच लिया कॉमन बाहर, तो यहाँ बच गया साइन एक्स कॉस एच, भाई एच ले ये वाला कॉमन खा ली, फिर बीच में प्लस, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा देखिए साइन ए कॉस बी, फिर ये लिखूँगा मैं कॉस ए साइन बी, साइन एच यानी बी, ऐसे ठीक है। क्या किया मैंने, एलसीएम को ब्रेक करवा दिया, एलसीएम एच के इसमें सिंगल डिवाइड, इसमें सिंगल डिवाइड, और इनमें से एच कॉमन लेके सिंगल डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत? अब समझ लो ध्यान से, यहाँ तो जीरो हो ही नहीं सकता फंक्शन, क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्या रीजन है? देखो पहले यहाँ पर कोई सूत्र बन रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बनना है यहाँ पर, अदरवाइज आप वहाँ पर सूत्र अप्लाई कर लो, अन्यथा आप वैल्यू पुट कर लो, जीरो नहीं हो सकता है वो फंक्शन, क्योंकि यहाँ से एच से एच आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, वह जीरो बच जाएगा, तो फिर भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, लिमिट को देखो, यहाँ से एच भी कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एच, यहाँ पर ये जीरो, अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा तो ये फंक्शन तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और देन यहाँ पर तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, एक काम करो लिमिट करो सेपरेट, तो लिमिट करता हूँ मैं सेपरेट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स साइन एक्स कॉस एच माइनस में वन अपॉन में एच, फिर देखिए ध्यान से पहले यहाँ पे प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए एक्स कॉस एक्स और साइन एच अपॉन में एच, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स कॉस एच और कॉस एक्स साइन एच, ऐसे वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो इस फंक्शन पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये फंक्शन सीधा जीरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पर कर लो जीरो पुट, देखिए यहाँ देखिए x सेम, जहाँ h है वहाँ रख रहा हूँ मैं जीरो, ऐसे जीरो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिमिट कर लो सेपरेट, इसकी लिमिट इसके साथ में इसका मान वन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर तो h है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x cos x, सीधा लिख रहा हूँ मैं वन करके, ठीक है भाई। ये लिमिट जब सेपरेट हो गया ना, इनटू में दोनों फंक्शन है, इसकी लिमिट इसके साथ लाओ, एंगल सेम है, इसकी वैल्यू वन, बस ये बच जाएगा यहाँ पर, ये इतना। यहाँ देखिए यहाँ पर एक काम करो, एक काम करो, पहले इस स्टेप को आप थोड़ा बाद में करो, मैं यहाँ पर फॉर्मूला कर लेता हूँ अप्लाई पहले, है ना। देखो यहाँ पर मैं सीधा ही इसको लिख, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, तो यहाँ लिखो ऐसे होगा, यहाँ पर साइन ए प्लस बी ऐसे होगा, है ना। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है यहाँ पर x और b की वैल्यू h है, ये बन जाएगा, तो यहाँ पर साइन रहेगा मतलब, और x रहेगा, और h की वैल्यू यहाँ लिमिट जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो बस थोड़ा जगह का शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए f डैश x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये देखो इस फंक्शन का जीरो में डिवाइड होगा, तो ये तो पूरा बन जाएगा जीरो बटे जीरो, ये तो जीरो हो गया, अरे हटा दो इसको, ठीक है भाई, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसका मान वन, वन में से वन, जीरो पे जीरो की मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन में जीरो हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर रख दो तुम जीरो, मतलब हटा दो पूरा इसको। अब यहाँ देखो खाली, यहाँ पर जाएगा एक्स कॉस एक्स और बस प्लस में साइन एक्स,
अब क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, चेक कर लो ये होगा, चेक कर लेते एक बार, एब्सोल्युटली राइट है बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल x cos x प्लस में sin x बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो बटे जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, अपरिभाषित है तो ये हम छोड़ देंगे इतना, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो हमारा आंसर रहेगा। प्लीज सिट डाउन ऑन द स्टूल, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और इसके बाद आने वाले इसी क्रम में दो एग्जाम्पल भी मोस्ट आईएमपी होंगे, उसका आप दिक्कत मत लेना। कैलकुलस को आपको करीब से समझना है, कोई बच्चा बात ना करे, सीधा गेट आउट कर दूंगा बाहर तुरंत। देखिए ध्यान से, इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है मोस्ट आईएमपी है। क्या है, जोर से बोलो, आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम्पल ये एग्जाम में आएगा 99% एग्जाम में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो क्या लिखा है फर्स्ट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स का, और के अवकलज ज्ञात करो, परिकलन करो, ज्ञात करो, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। देखिए क्या करना है, थोड़ा चौक लगी प्यारे बच्चों, एक मिनट तेरा, वंस अगेन देखिए ध्यान से। ओए आर्यन यहाँ देख, इस फंक्शन का अवकलन कौन कर लेगा तुम में से? देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब क्या करेंगे, जो बेसिक लेवल का बच्चा होता ना, जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक बात याद कर लो, अगर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो दोनों साइड क्या लगा लो, d अपॉन डी एक्स, ये है डिफरेंशिएशन का सिंबल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये सिंबल यहाँ भी लगा लो लेफ्ट साइड में, और ये सिंबल राइट में भी लगा लो, तो देयरफॉर d अपॉन डी एक्स f ऑफ x d अपॉन डी एक्स साइन टू एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स। देखिए अब यहां समझने वाली बात है, देखिए साइन टू एक्स लिखा गया है, लेकिन यहां एक्स के स्थान पर कुछ हो रहा है। अगर एंगल में एक्स के स्थान पर कुछ होर वेरिएबल आ रहा है ना, तो उसका दोबारा करते हैं। फिर मान लिया, देखिए मान लिया कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स से खाली x है, तो x को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि x का वन होता है बाद में। लेकिन x के स्थान पर कुछ और भी है ना, यहाँ पर मान लिया कहीं पर a प्लस बी एंगल में, तो जो एंगल में x की जगह कुछ और है उसका दोबारा भी करती है चेन रूल से। तो देखिए पहले ध्यान से इसको मान लो माइंड में x, क्या मान लो माइंड में x, तो साइन x का कॉस x, बट इसको ये x नहीं था, x की वैल्यू क्या 2x है, देखो साइन x का cos x, लेकिन ये x नहीं था, हमने x माना है, जिसको मानेंगे उसका दोबारा करेंगे अवकलन, तो d upon dx 2x, एंगल का दोबारा कर दिया, ठीक है। खाली एंगल का, देखो पहले हमने क्या साइन x मान के पूरा किया, तो साइन x cos 2x, मतलब x की वैल्यू 2x है, फिर इसको x माना था केवल एंगल को, तो इसका दोबारा करेंगे। अब f डैश x cos 2x से देखिए, यहां पर 2 क्या है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो, f डैश x इज इक्वल टू 2 लिख दो, पहले 2 cos 2x, और चेक कर लो आंसर,
ये आपका एकदम राइट आंसर आ गया। चेक कर लो भैया, चेक कर लो डियर स्टूडेंट, चेक कर लो प्यारे बच्चों, कुछ और नहीं है, बिल्कुल इसने दूसरे रूल से इसको सॉल्व करा है, आंसर सही है। देखिए इसको अगर और करना है ना सिंप्लीफाई, बुक ने क्या करा देखिए, और भी कर लेते, घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, बोर्ड तक आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे। देखिए टू तो बाहर रहने दिया प्यारे बच्चों, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं होता है, इसने ये कर दिया, बस एक ही तो बात है भैया, टू नहीं आएगा भाई, कॉस टू एक्स का हो गया वो हाफ हाफ, अगर यहाँ टू है तो यहाँ एंगल हाफ होगा, और ये टू बाहर कर दिया, चेक कर लो ठीक है ना, चाहे यहाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं करना तो फालतू काम, एक और पार्ट है इसका, एक और पार्ट है, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलस को बिल्कुल करीब से समझ लो, कैलकुलस को करीब से समझ लो, कैलकुलस में आपको मजा आएगा, आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स से बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए इसका एग्जाम्पल 21 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ, जी ऑफ एक्स, जी एफ नहीं है, जी ऑफ एक्स है, बहुत से बच्चे बैठ के हंसने लग गए कि जी एफ, ओ भाई जी एफ आ गई, नॉट जी एफ, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर आप चाहो तो इसको जी एफ भी मान सकते है ना, वो आपकी चॉइस है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा लो, अब फंक्शन एफ एक्स नहीं है, अब जी एक्स है फंक्शन, तो जी एक्स का जब अवकलन होगा तो जी डैस एक्स आएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कॉट एक्स, देखिए ध्यान से, जी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जी डैस एक्स होता है, ठीक है, जी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन जी डैस एक्स, देखो कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, जिनके आगे सी ओ आ रहा है उस उनकी वैल्यू माइनस में लेते हैं, ये आपको याद है ना, तो बस चेक कर लो, अगर और सिंप्लीफाई करा होगा तो और भी कर देंगे, इसने त्रिकोणमिति की हेल्प से इनको सिंप्लीफाई कराया है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, वन स्टेप का आंसर है इसका। कल के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 22 होगा, तो डियर स्टूडेंट लेक्चर को ध्यान से देखते जाइएगा, प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर की, मतलब उस चैप्टर के बारे में लेके बेले करो कि सर हमें यहां पर दिक्कत आ रही है, आप दोबारा इसको समझाने का कष्ट करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।